गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन 14 चैप्टर लास्ट क्लास में अपन स्टार्ट किया था, अब उसको अपन आगे पढ़ते हैं। 14 चैप्टर में अपन ने सिंपल अपन ने क्या पढ़ा था कल, एक तो डिकोजाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन होती है, वो एल एल और टेन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल की वैल्यू कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा, एन की वैल्यू कॉस गामा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू वन होती है। दिक्कनुपात डिकोजॉन के समानुपाती संख्या को दिक्कनुपात बोलते हैं, एबीसी को दिक्कनुपात बोलते हैं। अगर आपको एबीसी पता हो तो आप डिकोजॉन निकाल सकते हैं। कल मैंने फॉर्मूला लिखा था लास्ट वाला, एल की वैल्यू एल की वैल्यू एल की वैल्यू का। कहने का मतलब अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास क्या हो, दिक्कनुपात पता हो, डिकोजॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अपन जो कल वाला कॉन्सेप्ट था वो क्या था? अगर मान लीजिए आपका ए बी सी, ये तो क्या है, दिक्कनुपात है, क्या है, दिक्कनुपात है। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए दिक्कनुपात आपके ए बी सी है तो अपन ने कल पढ़ा था द्विभुज निकाल सकते हैं, प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये था। और आपके पास n की वैल्यू क्या थी, आपके पास प्लस माइनस c में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए आपके पास एबीसी दिक्कनुपात है तो एलएमएन क्या थी, उसकी ठीक हो जाएगी। अपन ने ये काम किया था कल। देखिए स्टूडेंट्स, अपन इसके आगे पढ़ते हैं। एबीसी दिक्कनुपात होते हैं, एलएमएन ठीक हो जाएगी। अगर मान लीजिए एक रेखा की दिक्कनुपात, या ऐसे बोल सकते दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक्कनुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये बिंदु A है, x1, y1, z1 है आपके पास, ठीक है। ये दूसरा बिंदु है x2, y2, z2 है। आपको AB के दिक्कनुपात याद करने हैं, AB के दिक्कनुपात। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, वो होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये A की वैल्यू हो गई, ये B की वैल्यू हो गई, अगली वाली किसकी वैल्यू हो गई, C की वैल्यू हो गई, ठीक है। दिक्कनुपात है ये x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। कहने का मतलब आपके पास A की वैल्यू आ गई x2 - x1, B की वैल्यू क्या आ गई y2 - y1, C की वैल्यू क्या आ गई z2 - z1। A B C दिक्कनुपात आ गए। क्या आप मेरे को ये बताओ, क्या दिक्कनुपात पता हो, क्या आप दिक्कोजय कैलकुलेट कर सकते हो, एल एम और एन कैलकुलेट कर सकते हो क्या, यस और नो बताइए मेरे को। क्या आप लोग दिक्कोजय कैलकुलेट कर सकते हो, एल एम और एन? कल मैंने फॉर्मूला लिखाया था, यस सर, एक का ही आंसर आया है। बेटा क्लास लिया करो डेली, एलएमएन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही, लेखराज बेटा वॉइस क्लियर आ रही है क्या? लेखराज, हिमांशु, संदीप, नेहा, बेटा वॉइस क्लियर आ रही सभी के पास? ओके ओके, हाँ जी। अब देखिए आगे चलते हैं।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, जैसे मान लीजिए आपके पास, यदि आपके पास मान लीजिए आर वेक्टर दिया हुआ है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है। अगर मैं आपको आर कैप निकाल तो क्या बोलोगे आप, आर का वेक्टर आपको आर का मैग्नीट्यूड ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप, और आर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, नहीं है क्या आ जाएगा, ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आई कैप, बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप, और लास्ट में सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर जे कैप। कोई मेरे को बताएगा ये किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताइए ये तीनों वैल्यू किसकी होती है। अगर अपन एबीसी विकल्पात मान के चले तो ये किस किसकी वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, एल एम एम की वैल्यू होगी। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, एल आई कैप एम जे कैप एन जे कैप। आपको ये भी पता है, इससे एक निष्कर्ष निकला है, इससे एक रिजल्ट ये निकला है, कोई भी वेक्टर होता है जो वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो दिक अनुपात को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कंपोनेंट ए बी एंड सी। कोई भी वेक्टर होता है उसके पॉइंट्स होते हैं तो क्या बोल सकते हैं अपन, वो दिक अनुपात को रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिए एक स्थिति सदिश है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, समझ में आ रहा है, ओ के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए आपके पास एबीसी कोई बिंदु है, ठीक है, ये आर बिंदु है आपका और ये ओ बिंदु है 0.0.0। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आप मेरे को ऐसे बताओ दो बिंदुओं का द्विक अनुपात कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, ए आएगा बी आएगा सी आएगा माइनस करने के बाद। अगर मैं फैक्टर को भी लिखूंगा ये लिखूंगा, देखिए आपको पता है वेक्टर द्विक अनुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं इसका इकाई सदिश निकाल रहा हूँ, यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एल एम और एन को। मैंने कल ही बताया था एल एम और एन किसको रिप्रेजेंट करती है, दिशा को बताती है, तो दिशा का मतलब आर कैप से ही होता है कोई भी यूनिट वेक्टर। आप सभी की ये बात समझ में आ गई होगी, कमेंट बॉक्स में जब सब अगर समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 14.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए फटाफट। ओके ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट पहले कोई चैप्टर एक या दो चैप्टर पढ़ा है या कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा या बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो देखिए 14 चैप्टर नया चैप्टर है, ठीक है, उधर मान लीजिए 12 चैप्टर नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो आप उन दोनों चैप्टर को तैयार कर सकते हो, ठीक है। पहले जो हो गया आपने नहीं पढ़ा एक अलग बात है, अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप जो नए चैप्टर चल रहे हैं उन चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से तैयार करते हो, कॉपी पे काम करते हो, ठीक है। अब देखिएगा आपका 14.1 का फर्स्ट इशू देखिए, आप जैसे बुक में देखोगे क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, एक रेखा की दिक् कोसाइन याद कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है, क्या ज्ञात करना है आपको, दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। दिक् कोसाइन का मतलब दिक् कोसाइन या दिक् कोसाइन बात एक ही होती है, माना कोई रेखा
निर्देशी अक्षरों के साथ अल्फा कोण बनाती है। अल्फा कोण बनाती है या ऐसे बोल सकते हैं। देखिए आप मेरे को ऐसे बताओ, समान कोण बनाती है। वैसे दिक्पुंज एल बराबर कोस अल्फा होता है, एम बराबर कोस बीटा होता है, एन बराबर कोस गामा, लेकिन वो समान कोण बना रही है। तीनों अक्षों के साथ समान कोण बना रही है, इसका मतलब दिक्पुंज बोलो या दिक्कोसाई बोलो एक ही बात होती है। दिक्पुंज बोलो या दिक्कोसाई बोलो एक ही बात होगी। वो क्या होगी, एल का मान क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। एम का मान भी क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। एल का मान भी क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि समान कोण के साथ समान कोण, ऐसे लिखो समान कोण अल्फा बनाती है। एल का मान कॉस अल्फा, एल का मान भी कॉस अल्फा, एल का मान भी कॉस अल्फा, तीनों सेमी होंगे। आपको पता है n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू बल होती है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू बल होगा b cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट भी आएगा। क्या आएगा, cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। यहाँ पे दिक्पुंज क्या क्या रहेगी, दिक्कोसाइन क्या क्या रहेंगे, दिक्कोसाइन वो आपके पास आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एल की वैल्यू cos अल्फा है, उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। एन की वैल्यू भी यही आएगी और एल की वैल्यू भी यही आएगी, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। बात समझ में आ रही होगी सभी के, बहुत बढ़िया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं 4, 2, 3, 4, 5, 7 को मिलाने वाले सरल रेखा की दिक्पुंज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, माना दिए गए बिंदु, पहले वाले को ए मान लेते हैं अपन 4, 2, 3 तथा दूसरे वाले को मैं बी मान लिया तथा बी मान लिया 4, 5, 7 इन दोनों को अपन मिलाएंगे, ये आपका बिंदु ए हो गया, 4, 2, 3 या आपका दूसरा बिंदु हो गया 4, 5, 7। आपको पता है पहले द्विकल्पात निकालेंगे अपन, द्विकल्पात क्या है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। एक ही वैल्यू आ जाएगी x2 - x1, कितना आएगा 4 में से, ये 0 चला जाएगा, 4 में से 4 है ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अपन दिक्पुंज निकालेंगे।
क्या निकालेंगे, दिग्विजय निकालेंगे, हाँ जी देखिए दिग्विजय क्या होगी, दिग्विजय एल की वैल्यू प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा, प्लस माइनस एल की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू जीरो है, जीरो अपॉन रूट में जीरो का स्क्वायर बी का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, नीचे देखिएगा ये फाइव आएगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस जीरो अपॉन फाइव, एल की वैल्यू जीरो आएगा, एम की वैल्यू प्लस माइनस बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा, बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी अपॉन प्लस माइनस बी अपॉन फाइव हो जाएगा, एन की वैल्यू बोलो सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा वो फोर अपॉन फाइव हो जाएगा, कहने का मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं अतः रेखा की दिक्कुजें, अतः रेखा की दिक्कुजें क्या क्या आ जाएगी, दिग्विजय एक तो जीरो एक प्लस माइनस थ्री अपॉन फाइव एक प्लस माइनस फोर अपॉन फाइव आएगी नहीं आएगी, अतः रेखा की दिग्विजय जीरो प्लस माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस माइनस फोर अपॉन फाइव, आपके आंसर शीट में हो सकता है कि प्लस माइनस नहीं लगा हुआ हो, आप लगा लेना क्योंकि फॉर्मूले में भी प्लस माइनस आता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। ठीक है अगला क्वेश्चन है, एक रेखा के दिक्कनपात दिए गए हैं, दिक्कोजय ज्ञात करनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है दिक्कनपात देखते हैं आपको ए बी सी की वैल्यू देखिए वन टू माइनस ऐसे दे रखा है, टू माइनस वन माइनस टू, टू माइनस वन माइनस टू, ठीक है दिक्कुजय निकालेंगे अपन, दिक्कुजय क्या हो जाएगी एल की वैल्यू प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस ए की वैल्यू टू हो जाएगी, सोल्व करेंगे इसको कितना आएगा फोर प्लस वन प्लस फोर, अरे टू का स्क्वायर फोर, वन का माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस टू का स्क्वायर फोर, ऊपर सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस टू रहेगा, नीचे चार चार आते जाएगा, ऐसे अपन निकालेंगे प्लस माइनस बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एल एन एम क्या होती है दिक्कुजय होती है, क्या होती है दिक्कुजय, हाँ जी आप देखो यहाँ से b की वैल्यू प्लस माइनस ये माइनस कर है, नीचे कोई आपको पता है नीचे कंप्लीट चार प्लस डायरेक्ट में आपको पता है नीचे देखो ये वैल्यू, नीचे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू को आपने सोल्व किया तो वैल्यू तीन आई थी, यहाँ पे भी क्या लिखो डायरेक्ट तीन लग सकते हो, अब यहाँ देखो ये माइनस है ये प्लस है, इस प्लस को तो क्या बना देगा माइनस बना देगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा प्लस करा देगा, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री आ जाएगा, अब देखो सी की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस बाहर आता है,
माइनस का टू आपको नीचे क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, तीन कर लिए। अब देखो प्लस टू को माइनस बना देगा और माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, मतलब क्या हुआ देखो इधर, मतलब हो गया आपके ये तो प्लस है माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, सॉरी इस प्लस को ये माइनस माइनस बना देगा और इस माइनस को क्या बना देगा प्लस, हुआ कौन क्या हो जाएगा थ्री। लास्ट में क्या बोल सकते हैं, अटैक इको जेन दिस डिफरेंट दिस, आंसर शीट में आपके आंसर अलग हो सकता है, इसलिए आप आंसर जो मैंने कैलकुलेट किया वही आप आंसर लिखेंगे। अतः रेखा की दिक्कोजन क्या हो जाएगी यहाँ से देखो, प्लस माइनस टू अपॉन थ्री, माइनस प्लस वन अपॉन थ्री, माइनस प्लस टू अपॉन थ्री, आंसर आपका यही है। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखो आप सभी स्टूडेंट्स फोर को देखेंगे, अरे वीडियो कॉल मत कर रहे हो, कोई भी वीडियो कॉल नहीं करेगा, ऑडियो वीडियो बंद करके रखेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर आप एक बार बुक में देखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ए सदिश आर एक्स वाई तथा जेड अक्षों के साथ क्रमशः 45, 60 तथा 120 की कोण बनाता है, यदि सदिश आर का परिमाण 2 इकाइयों को आर ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मेरे को ऐसे बताओ, अपन मान लेते हैं कि अल्फा का मान को एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है 45 डिग्री, बीटा का मान मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है, और गामा का कोण मान लेते हैं 120 डिग्री, तथा गामा कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, दिक्कत है वही है का मान cos अल्फा होता है, cos अल्फा का मतलब देखो रेखा की दिक्कत है, रेखा की वो क्या हो जाएगी, रेखा भी दिख हो जाए tan का मान तो cos अल्फा, cos अल्फा का मतलब cos 45 डिग्री, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आ गई, tan का मान cos बीटा मतलब 60 डिग्री, इसको 1/√2 आ जाएगा, tan का मान cos गामा cos 120, cos 120 को सॉल्व कर सकते हैं अपन, 180 माइनस cos 120 को सॉल्व करना आता है, 180 माइनस 60 लिखेंगे, cos 180 वाले पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसकी इसकी वैल्यू माइनस का बना कम होगी, ठीक है। आपको एक सदिश निकालना है r जिसका परिमाण भी होगा और उसकी क्या होगी दिशा भी होगी। देखिए आपको एक r सदिश निकालना है जिसका परिमाण r सदिश होगा, एक कोई भी सदिश आपको ज्ञात करना है, उस सदिश का नाम क्या है, r सदिश है। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, r सदिश होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी दिशा भी होगी। मैग्नीट्यूड को अपन क्या लिखते हैं, उसका मापांक लिख देंगे, उस मापांक का मान देने का असल है, परिमाण देने का दूसरा जी, मतलब r का परिमाण देने का दूसरा जी। कोई मेरे को बताएगा r सदिश क्या होगा, कोई r कैप क्या होगा। आज मैंने दो कॉन्सेप्ट कराए थे क्लास की स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में दो कॉन्सेप्ट करवाए थे, वहां पे r कैप का फॉर्मूला लिखा था, एक बार चेक करो देखिए क्या लिखा था, क्या मैंने ये लिखा था क्या, l i k l j k plus n k k, या सुनो क्या मैंने ये फॉर्मूला लिखा था क्या r कैप का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बात समझ में आ गई Yes or no? बिल्कुल सर समझ में आ गई,
आर की वैल्यू यही तो है। अब देखो यहाँ से आपका टू को ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एल की वैल्यू बोलो क्या है, वन अपॉन रूट टू आई कैप हो जाएगा, आगे क्या रहेगा एल की वैल्यू वन अपॉन टू, जे कैप हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टू, के कैप हो जाएगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे अपन, अपन क्या करेंगे इस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी रूट टू आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले, एक्सरसाइज खत्म हो गई है, एग्जाम पर नंबर फर्स्ट निकालेंगे। बहुत बढ़िया, 14.1 एक्सरसाइज से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि द्विक अनुपात याद कीजिए या फिर द्विकोजें याद कीजिए, डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट का मान याद करके बताओ आपको क्या आएगा, हाँ जी यहाँ से आर सदिश क्या आ जाएगा, आपका जो आर सदिश आएगा वो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू आई कैप आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप हो जाएगा और माइनस का के कैप, आंसर आपका यही है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखेंगे सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखेंगे अपनी अपनी बुक में, एक रेखा एक्स तथा वाई अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह रेखा जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगी। माना देखो पहले वाली कोण को अपन अल्फा मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तथा रेखा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, गामा कोण बनाती है। अब आपको बताया है रेखा की दिक्कोजय आ जाएगी, दिक्कोजय क्या हो जाएगी बता सकते हो आप मेरे को, एल की वैल्यू कॉस अल्फा कॉस थर्टी वन अप रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा, एल की वैल्यू कॉस बीटा वो कितना आएगा यहाँ से देखो कॉस 60 हो जाएगा और एल की वैल्यू कॉस गामा, आपको गामा की वैल्यू पता नहीं है, अपन जानते हैं फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ठीक है। आप मेरे को ऐसे बताओ एल एम एन की वैल्यू रख सकते हैं पढ़े, अपने को गामा चाहिए, वो ऐसे पूछा है कि जो जेड एक्स है नहीं रेखा जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाती है, तो रेखा है जेड एक्स के साथ कितना कोण बनाती है ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, अपन ने मान लिया कि जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाती है रेखा, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, to calculate value of which value, इसकी value find out करनी है, z axis के साथ कितना कोण बना रही है गामा, तो गामा की value का find out करनी है, इसकी value find out करनी है गामा की value कि z axis के साथ कितना कोण बनाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन अगर बात करें कितना हो जाएगा ये एल की वैल्यू 3 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 2 का स्क्वायर तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा, 3 बटा 4 1 बटा 4 cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा इक्वल टू 1 cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 0 cos गामा इक्वल टू 0,
अरे कोस की कौन सी वैल्यू पर गामा जीरो होता है? कोस की कौन से एंगल पे जीरो होता है बताइए जल्दी, गामा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? अरे क्या हुआ, गामा की वैल्यू क्या आएगी? 90 आएगी। गामा की वैल्यू कितनी आएगी? 90। तो गामा विल बी 90 डिग्री होगा, ठीक है? तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक सदिश OX, OY तथा OZ अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, सिद्ध कीजिए कि ये होना चाहिए। देखिए एक काम का नंबर दूसरा है, आप मेरे को ऐसे बताओ अल्फा बीटा और गामा बनाती है, ठीक है? अल्फा बीटा और गामा बनाती है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं अपन? माना दिए गए सदिश की दिक्भुजाएं क्या मान सकते हैं? पहले वाली को एन एम, वो एन मान सकते हैं अपन, ठीक है? अनुसार अपन क्या बोल सकते हैं, एल की वैल्यू कॉस अल्फा हो जाएगी, एम की वैल्यू कॉस बीटा होगी, एल की वैल्यू कॉस क्या होगी, गामा होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, कॉस है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एल की वैल्यू कॉस है अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा, एल की वैल्यू कॉस गामा होगी। बात सभी के समझ में आ रही होगी, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। ओके हाँ जी, आपको पता है L² + L² + L² की वैल्यू बराबर होती है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। आपको जो कुछ करना है उसमें cos नहीं आ रहा है, sin आ रहा है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कितना होगा 1 1 1 3, ठीक है 1 1 1 3। और देखो एक वन से एक वन तो कट गया, टू बचेगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर अल्फा उधर भेज दिया मैंने, साइन स्क्वायर बीटा भी उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर गामा को भी उधर भेज दिया। क्या आपको ये प्रूव करना है क्या, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा विल बी 2। अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रूफ भी हो गया है, सभी के बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। आप देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, आप क्या दिया हुआ है, एक रेखा के द्विकल पाठ दिए गए हैं, रेखा के क्या दिए गए हैं, नहीं दिक्कोसाइन याद करनी है, क्या याद करनी है, दिक्कोसाइन याद करनी है। देखिए स्टूडेंट्स जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपका 14.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक बार चेक करो, देखिए एक बार आप सभी स्टूडेंट चेक करो, जो आपका एग्जाम्पल नंबर तीसरा है वो क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है क्या, क्या आप कर सकते हो क्या उसको,
यस और नो में कमेंट करो मेरे को कि सर यस सर कर सकते हैं अदरवाइज नो। कर सकते हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ताकि अपन आगे चलें। डन डन।